हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मैं आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं अदरक, लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, इलायची मैंने लिया हुआ है। इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। आपके पास साबुत धनिया हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बाद में ऐड करूँगी। तो जितने भी खड़े मसाले थे मैंने उसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी और 2 चम्मच धनिया का पाउडर यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने साबुत धनिया नहीं यूज़ किया था। आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो पाउडर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ढक कर रख देंगे। मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से कट करके रख लिया है, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा और तेज पत्ता। अब हम इसमें कटे हुए प्याज भी ऐड कर देंगे और इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज जो है ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं मैंने काबुली चने को उबाल के रख लिया है। प्याज जल्दी से गल जाए तो इसके लिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने काबुली चने में नमक पहले ही ऐड किया हुआ है, तो इसमें मैं मसाले भुनने लायक ही नमक यूज़ करूँगी। तो मैंने चने बॉईल कर लिए हैं, इसे हम एक बोल में निकाल के रख लेंगे। नमक ऐड करने के बाद प्याज जो है वो गलने शुरू हो चुके हैं और इस लेवल पे प्याज की जो खुशबू है मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब देख सकते हैं आप प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हम पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था और जो खड़े मसाले थे मैंने उसका पेस्ट रेडी कर लिया है, वो मैंने इसमें डाला है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पिसे हुए मसाले की जो खुशबू है ये बहुत ही अच्छी आती है जब हम इसे भूनना स्टार्ट करते हैं तो। बट आजकल की बिजी लाइफ में लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है कि वो मसाले को पीसें और फिर यूज़ करें, तो इसलिए लोग पाउडर ही यूज़ कर लेते हैं। मैं भी यूज़ करती हूँ, कितने वीडियोस में मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। बट मैं यहाँ पे आज छोले बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे मसाले को पीसा है फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मसाले जो हैं भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे मसाले में नमक पहले से ही ऐड है, इससे टमाटर गलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी टमाटर जो है वो गल जाएंगे। मैं यहाँ पे छोले बनाने के लिए पिसे हुए मसाले का यूज़ कर रही हूँ, बट आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन यह है कि पिसे हुए मसाले की बात ही कुछ और होती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप पाउडर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टमाटर जो है वो गलने स्टार्ट हो चुके हैं, इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चने को भी हम मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 बार ढक ढक के, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो डाल दिए हैं मैंने काबुली चने, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने राजमा चावल सुना होगा, प्रोसेस सेम ही होता है, बस काबुली चने की जगह में राजमा होते हैं। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चने जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि चने जो है वो पहले से ही बॉयल है इसलिए हमें बस इसका ग्रेवी तैयार करना है। अब वो आप देख लो कि आपको पतली ग्रेवी पसंद है या फिर गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, आपको जैसी पसंद है आप उस अकॉर्डिंग वाटर को एडजस्ट कर सकते हो। मैंने वाटर ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया, अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तब तक मैं यहाँ पे चावल भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप चावल भी जो है वो 50% कुक हो चुका है। जब तक हमारे छोले तैयार होंगे तब तक चावल भी रेडी हो चुका होगा। और यहाँ देख सकते हैं छोले में हल्के हल्के उबाल आने शुरू हो चुके हैं। अभी हम 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे, बीच बीच में इसे इस तरह से मिक्स भी करते रहेंगे।
वाटर ऐड करने के बाद हो सकता है नमक थोड़ा कम हो, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। यहाँ हमारे छोले बनके हो चुके हैं तैयार। अच्छा खासा इसमें उबाल आ चुका है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसमें कट करके डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हरा धनिया नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।